जिनका नाम है असद मलिक। अभी हम उनके ऑफिस जाते हैं और उनका इंटरव्यू आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब हम उनके ऑफिस में चलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, ये है सर असद मलिक। सो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना इंटरव्यू, बहुत एक्साइटेड है हम दोनों। सो लेट्स स्टार्ट। हसन, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। ओके सो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना टाइम से आपको शौक है जिम का? जब मैं आपकी एज का था तब से मुझे शौक था बॉडी का। हाँ, एक्सरसाइज का, अच्छी बॉडी, क्योंकि स्कूल में मुझे बुली करते थे बहुत, तो हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि मुझे कोई मारेगा या डांटेगा या कोई डरेगा, मैं आगे से कुछ नहीं कर सकूँगा। तो फिर भी होती थी, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो खैर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा दीदा। तो आपको तो मेरी सेहत नजर आ रही होगी, तो आप अपना सीक्रेट बताएं, आपने इतनी बड़ी बॉडी कैसे बनाई? यार, आप जब रेगुलर हो जाते हैं ना एक्सरसाइज के साथ, जिम के साथ, बॉडी अपनी आप बननी। अब ये ना सोचें कि मुझे एक साल में बनानी है या मुझे छः महीने बनाना है। आपने एक काम, ये अच्छा काम है, सारी ज़िंदगी चलने वाला है, ठीक है? और आप इसे कभी स्टॉप ना करें। ये जो आप खाते हैं, फिर आप उसको प्रोसेस करने में आप आसानी होती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, बॉडी भी अच्छी रहती है, आपके खाने पीने का शौक पूरा होता रहता है। आप कहते हैं ना लोग के लिए बड़ों की बातें पल्लू के साथ बांध लेनी चाहिए, सो कोई ऐसी बात बताएं जो जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहे, कोई बहुत जो हमारे दिमाग में बहुत मजे की। बहुत साल पहले हम कहीं फ्रेंड्स गए थे, तो हमने नाश्ते के लिए जाना था। मोस्टली हलवा पूरी खाते हैं लोग, इस तरह के नाश्ते होते हैं, पाए होते हैं, या लाहौर में तो खैर में जब था तो बहुत कुछ था। तो हम लोग एक दफ़ा गए थे, हमें नाश्ते के बाद हमें मीठा खाना था, हमें ना हलवा मिला ना हमें कोई और मीठी चीज़ नहीं मिली, सेवैयाँ मिल गई। तो हमारा एक दोस्त है बहुत फनी है, तो उसने क्या किया कि सेवैयों में ना वो सेवैयाँ थी स्पेगेटीज के बारे मोटी मोटी जगह, तो उन्होंने वही बना लिया। तो उसके अंदर उसने एक शू का लेस जो तस्मा होता है वो रख दिया। अब हमारा दोस्त उसकी प्लेट में जब आया था वो खा रहा, कहता है ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। देखा तो वो शू का लेस था, वाइट जूता था, उसका तस्मा था। तो इसलिए फिर ये एक फनी बात है। अच्छा, आपको मतलब बॉडी बनाने का कब से शौक? अच्छा, फिर मैं आपके दोनों को अच्छा बन इत्तेफाक से कुछ लोगों से मिला और उन्होंने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें उसमें नए लोग चाहिए। अच्छा, आप उसी से आगे फॉरवर्ड सो आपका इससे पहले वाला कौन सा एक्टिंग कौन सा ड्रामा था, कहाँ पे था आपको? अभी मेरे बहुत से ड्रामास किए, मैंने ऑलमोस्ट 450+ प्रोजेक्ट्स किए, और मेरा लास्ट प्रोजेक्ट वो था खान जो रेजियो पे था, और फिर ए प्लस पे था उससे एक पहले वाला सेकेंड लास्ट वो था फिनीस, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था या उसको मशहूर हुआ था जो भी कह रहे हैं, बहुत पॉपुलर था। अच्छा, वैसे आपको मजा आता है जिम करते हुए? बहुत मजा आता है, अल्लाह भाई। थकते नहीं है जिम करके? थकना कि मतलब आपके अंदर मोटिवेशन होती है ना, जब आपने मैंने ये करना है तो फिर थकन नहीं होती। कितने केजी तक उठा लेते हो? 45 kg का हम बेंच प्रेस करते हैं, जो करते हैं डंबल प्रेस वो कर चुका हूँ, और वैसे बेंच प्रेस के जो वेट्स के साथ करते हैं वो 145 kg के साथ में कर चुका हूँ। आप कितना टाइम जिम करते हैं? मैं डिपेंड करता है कि मेरे कौन से एरिया की एक्सरसाइज है, कौन से मसल्स की एक्सरसाइज है। अगर चेस्ट की है तो वो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट इस तरह से, शोल्डर्स की है तो वो 1 घंटे में हो जाती है,
लेग्स की है तो वो 45 मिनट्स में हो जाती है. सो डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट टाइमिंग होते हैं. अच्छा, ये जो आपने ड्रामास बनाए हुए हैं इनके लिए अवार्ड्स मिलते हैं आपको बाद में? अवार्ड्स मिलते हैं लेकिन मैं अवार्ड शोज पे कभी जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा अवार्ड वही है कि अगर मतलब मुझे कहे आपने बड़ा अच्छा काम किया मेरे लिए वो अवार्ड काफी है. मैं अवार्ड शोज पे आपको मिलते हैं? पहले मिलते थे, मैं लेता भी था लेकिन उसके बाद फिर जब अवार्ड्स के साथ यहाँ पे जो होता है वो मुझे पता चला तो फिर मैंने कहा ये तो अनफेयर नहीं है, मुझे नहीं चाहिए. मेरा अवार्ड यही है आप मुझे आगे कहें क्या मैंने आपको बताऊँ देखिए उसका वो अच्छा था ये मेरे लिए अवार्ड है. सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही को वैसे ड्रामा में बंदा अलग होता है और रियल लाइफ में ये बहुत ही को कूल है और बहुत अच्छे हैं. सो इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सो सब लोग आपकी बात सुनते हैं. वेट, सब लोग आपकी बात सुनते हैं यार. प्लीज इनको कहना है कि हमारे चैनल एच एच ब्रोस को सब्सक्राइब कर दें. किसको? एच एच ब्रोस. ओके, हुसैन एंड हसन जी, अगर आप मेरी बात माने जो कि मुझे लगता है कि मानेंगे तो एच एच ब्रोस जो हसन और हुसैन का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि बात मानेंगे. सो अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.